नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी है। सुबह से ही तमाम बूथों पर जो है वो मतदाता पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व आज बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं तमाम जिलों से लगातार तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर जो मतदाता हैं उनमें बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मतदाताओं का उत्साह बूथों पर उमड़ते हुए देखा जा रहा है। प्रशासन ने भी जो तैयारियां हैं वो चाक चौबंद कर रखी हैं। तमाम बूथों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और कड़ी सुरक्षा के बीच हर मतदाता सुरक्षा के घेरे में अपने मतों का प्रयोग कर रहा है और 2022 की सरकार बनाने का कार्य कर रहा है। पहले चरण में अगर हम मतदान की बात करें तो 3 बजे तक जो कुल मतदान है वो 48.24% हो चुका है। बुलंदशहर में 50.81% मतदान हुआ है। वहीं मेरठ की अगर हम बात करें तो मेरठ में 47% मतदान हुआ है। वहीं शामली में 52% मतदान हुआ है। गौतम बुद्ध नगर में 47.25%, बागपत में 50.61%, अलीगढ़ में 45.91% और मथुरा में 48.21% मतदान इस वक्त हो चुका है। ये आंकड़े हम आपको 3 बजे तक की बता रहे हैं, जहां पर 3 बजे तक जो मतदान था बुलंदशहर में वो 50.81% हो चुका है। वहीं मेरठ में 48.21 और हापुड़ में 52% मतदान हो चुका है। और वहीं मतदान को लेकर क्या कुछ रुझान है और अब तक क्या कुछ रुझान नेताओं का देखने को मिल रहा है, मतदान से क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है, इस पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक डीआर साहू जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले डीआर साहू जी, आपका प्राइम टीवी पर स्वागत है। जी तो डीआर साहू जी, जिस तरह से आज लोकतंत्र का पर्व बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, पहले चरण की वोटिंग इस वक्त जारी है, शाम 6 बजे तक मतदान हो रहा है, अब कुछ ही वक्त बचा है जब मतदान जो है आज का थम जाएगा, ऐसे में सबसे पहला रिएक्शन मैं आपका जानना चाहती हूँ आज के मतदान को लेकर। एक्चुअली ये तो चुनाव की पर्व है और चुनाव की पर्व में ये जो पहला चरण है ये बड़ी रोचक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो निर्णय होगा वो भारत की राजनीति की और 2024 की तस्वीर भी यहीं से शुरू होगा। तो इसलिए ये एक बहुत ही रोचक है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोविड की प्रकोप की वजह से पूरे भारत और हमारे उत्तर प्रदेश सभी लोग प्रभावित है और इसी समय हो रहा है और उसमें जो कैंपेन जो प्रचार हो सकता था वो प्रचार जो पार्टियों की तरफ से हो सकता था वो नहीं हो पाया। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इसके बावजूद भी एक बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है, बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आ रही है, यहाँ पे लोग का कहना है कि ये इस इलेक्शन में इस बार कोई लहर दिख नहीं रहा है। कोई कह रहा है कि ऑलरेडी जो राजनीतिक दल जो सत्ताधारी है वो चाहते हैं वापस आने के लिए, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में उनकी जो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने की जो वो लोग जो ला रहे हैं उसके आधार पर अपनी तस्वीर जो बना रहे हैं, वो जो नैरेटिव्स प्रस्तुत किए हैं उसमें वो वापस आना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो विपक्ष है उसमें देखा जाए तो बहुत सारे राजनीतिक दल अब अलग अलग तरीके से लड़ रहे हैं, एक्सेप्ट जयंत जी जो RLD है और वो अखिलेश जी है समाजवादी पार्टी। तो कहाँ तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीट्स की बात करते हैं तो 58 सीटों में जो लगभग 2 करोड़ मतदाता देंगे उसमें ये पहला चरण ही एक रुझान दिखाई देगा, जो कि लोगों का ये मानना है, जो विश्लेषण है, जो विचार है उसमें ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें भाजपा भारतीय जनता पार्टी अपनी बहुत प्रयास कर रही है, क्योंकि 2017 में आपको याद होगा 2017 में चुनाव में इसमें बहुत सारे सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, तो वो एक बहुत ही जबरदस्त रुझान था। लेकिन इस बार जो माहौल दिख रहा है और जो बातें दिख रही है उसमें जो किसान आंदोलन को संदर्भ में रखते हुए देखे और जाट की और बहुत सारे समीकरण की बात करें, किसानों की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो भी काफी अच्छे से अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं और ये कॉम्बिनेशन जो है कहीं ना कहीं वो
अपने को, क्योंकि उनका भी यही है कि यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका यदि मजबूती हो तब जाके उनकी सत्ता की तरफ जाने की बात है। तो इसमें इवन भारतीय जनता पार्टी की भी यदि आप देखेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र और आपकी जो पूर्व क्षेत्र पूर्व उत्तर प्रदेश है वहां पे ऐसी कोई स्थिति नहीं है जितनी खराब स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बहुत बड़ा कड़ा बहुत ही कड़ी मतलब एक वो चुनौती है। उस चुनौती के आधार पर ये देखा जाएगा कि ये जो 10 फरवरी की चुनाव की मतदान की जो जनगणना है, मतदान की जो रिजल्ट है और मतदान की रुझान है, ये भारत उत्तर प्रदेश की चुनाव की और जो जो मैंडेट है यूपी इलेक्शन की जो मैंडेट और किसको वो जाएगा वही निर्णय करेगा और एक बहुत ही बड़ी निर्णायक भूमिका इस 58 सीट की होने जा रही है। जी डीआर साहू जी, जिस तरह से अगर हम सीटों की बात करें तो 2017 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे क्षेत्र में एक भारी जीत दर्ज की थी, जहां पर 58 में से 53 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा जो था वो हासिल किया था। ऐसे में इस बार का चुनाव थोड़ा सा विपरीत दिखाई दे रहा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसे जाटलैंड कहा जा रहा था, वहां पर स्थिति इस बार थोड़ी बदलती हुई दिखाई दी थी। किसान कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को लेकर, फिर लखीमपुर खीरी मामले को लेकर भाजपा से नाराज नजर आ रहे थे। ऐसे में लगातार पश्चिमी यूपी में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां हुई। अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कमान संभाले हुए दिखाई दिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आज सुभाषपा अध्यक्ष का कहना है कि अगर हम अब मतदान की बात करें तो आज जो लहर है, हम 45 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी पुरानी जो साख है उसे बचाने में कामयाब रहती है या फिर खेल बदल सकता है? अभी तो मतदान हो रही है और मतदान लगभग 50% तक जो अभी दिख रहा है आपके जो स्टेटस आपने डेटाबेस बताया, लेकिन मेरा ये मानना है कि पहला तो चीज है एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मैं जो देख रहा हूँ लहर की तरफ कहीं है नहीं। अब उत्तर प्रदेश सरकार जो अभी चला रहे हैं उनमें बहुत सारे अच्छी चीजें हैं जो कि वो उसको कोशिश कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कानून की व्यवस्था और उसकी बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ उसके साथ साथ आप भी देखे होंगे कि किसान आंदोलन और किसान की जो चीजें हैं वो पश्चिम उत्तर प्रदेश को काफी प्रभावित किया और कहीं ना कहीं उसमें एक बहुत बड़ा जो उन्होंने जो वापस की माननीय प्रधानमंत्री जी की और सरकार ने जो वापस किया केंद्र सरकार ने वो राहत तो है, लेकिन मेरे को लगता है ये एक चीजें दिक्कत है। दूसरी बात है एक उनके पास स्ट्रेंथ है सत्ताधारी पार्टियों की, वो है परसेप्शन जो बना है, एक एक सोच बनी रही है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेके चल रहे हैं, ये कानून की व्यवस्था और माफिया राज को खत्म करना ये एक उनके पास है। लेकिन जहां तक यदि कमियों की बात करें भारतीय जनता पार्टी के सामने और जो सारे पार्टी हैं जैसे कांग्रेस अलग लड़ रही है, बसपा अलग से लड़ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे क्षेत्रीय दल भी आ रहे हैं उसी तरह से, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है आरएलडी और समाजवादी पार्टी का ये काफी इफेक्टिव तरीके से प्रभावशाली तरीके से अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन मतदान की जो रुझान है उसमें खासतौर पर आप देखे होंगे कि आपने आज देखा होगा कि MY और MY की बात चल रही है, मतलब एक एक मोदी और योगी की कॉम्बिनेशन और एक मुस्लिम और यादव की कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। ये सारे जो नैरेटिव्स प्रस्तुत कर रहे हैं इस तरह से प्रतीकात्मक रूप में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने की जो बात है, मेरे को ये नहीं लगता है। असल में बहुत सारे जो बातें हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, महंगाई है और बहुत सारे व्यवस्था है, कोविड मैनेजमेंट की स्थिति है। अब मेरा जो व्यक्तिगत रूप में जो मैं ऑब्जर्वेशन और जो स्टडीज और जो तरह तरह की विचारों को देखता हूं तो उसमें ये लगता है कि ये जो रुझान किस तरफ जाएगा ये अभी कहने के लिए तो हमको लगता है कि जो समाजवादी पार्टी और RLD की थोड़ी सी एडवांटेज बेहतर एडवांटेज में है और यदि इसको वो कंपेंसेट कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार के माध्यम से और अपने जो लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने की जो एक एक इमेज बनाए हैं और साथ ही साथ जो विभिन्न जो सामाजिक प्रारूप है, सोशल कैटेगरीज है, नॉन जाटव हो नॉन यादव हो, बहुत सारे मुस्लिम संप्रदाय हो, बहुत सारे लोगों को लेके पिछले बार की तरह चुनाव जो हुआ था उसमें तो एकदम लहर ही दिख रहा था, लेकिन मेरा ये मानना है कि लहर इस बार तो नहीं है और
बात यह है कि इसमें बड़ा आकलन करना मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि कोविड की प्रकोप की वजह से, कोविड की वजह से बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस जो है उसकी वजह से जो प्रचार प्रसार और जो मतदान मतदाताओं की जो वो एक एक खुल के जो एक एक लहर दिखता है, इस बार आकलन करना मुश्किल है। बल्कि हम तो कहते हैं कि इस बार मतदाता हैं बड़े चुप रहे, जी ये एक चीज दिखाई दे रहा है। डी आर साहू जी, जिस तरह से आपने बताया कि इस बार बीजेपी की लहर जो है वो कम होती दिखाई दे रही है, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे थे कि अगर ये जो सीटें हैं 58 सीटें, अगर इन पे मतदान अगर थोड़ा कम होता है तो बीजेपी को इसका कहीं ना कहीं फायदा पहुंच सकता है। वहीं अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करने जाते हैं तो वोटिंग परसेंटेज अगर 5 बजे तक के अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं, क्योंकि अब चंद ही वक्त बचा है, कुछ मिनटों का वक्त बचा है जब जो मतदान है वो थम जाएगा, बुलंदशहर में 60.52% मतदान हुआ है, मेरठ में 55.70% मतदान हुआ है। इस मतदान का जो परसेंटेज है, इसे किस प्रकार से देखते हैं कि अच्छी वोटिंग हो रही है या फिर कम वोट इस बार पड़े? हाँ, मतदान की परसेंटेज बढ़ेगा। आप देखिए, या करीब 6-7 बजे तक, जब तक वो वोटिंग लोग लाइन में होंगे, उनको तो अलाउ करके वो अपना वो करेंगे। मेरे हिसाब से मतदान बेहतर होगा और पिछले साल की तरफ होगा, या हो सकता है बढ़ भी सकता है। इसलिए ये बात भी हम कह सकते हैं। अभी तो आकलन करना जब तक खत्म नहीं हो जाता है तब तक स्पेकुलेशन करना कोई ठीक निर्णय होगा नहीं, लेकिन मेरे को हिसाब से मतदान बेहतर होगा। वहीं पर सुबह से ही देखा गया कि कई बूथों में जो वोटर्स थे उनकी संख्या कम देखने को मिली। कहा जा रहा है कि कोरोना इफेक्ट जो है वो इस बार के चुनाव में देखने को मिल रहा है। तो जो इस वक्त जो परसेंटेज निकल कर सामने आया है वोटिंग परसेंटेज, क्या लगता है कि इस कोरोना का असर कहीं चुनाव पर पड़ता दिखाई दे रहा है? वोटर जो है वो बिल्कुल कोरोना बिल्कुल के साए बिल्कुल में जो बूथों तक नहीं पहुंच रहे? बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें दो चीज है, एक कोरोना की भी बात है, दूसरा है कि एक जो एक उत्सुकता है, जो उत्सुकता होती है मतदान के लिए, और वो उत्सुकता की भी कहीं ना कहीं देखा जाता है। तीसरा, जो वहाँ पे जो वेदर की कंडीशंस है उसमें हमने देखा कुछ रिपोर्ट्स में सुबह काफी ठंड की वजह से काफी कम लोग आ रहे थे। हो सकता है कि दोपहर के बाद या हम 6 बजे के बाद, हो सकता है 6-7 बजे तक जब तक आएगा, तो मेरे हिसाब से बात तो सही है, कोविड प्रकोप ज्यादा थोड़ा बहुत प्रभावित किया, और जो एक एक उत्सुकता जो है जो मतदाताओं में वो जो होना चाहिए वो भी नहीं है। तो इसलिए इस बारे में जब मतदान खत्म होगा तभी हम पता कर पाएंगे क्या स्थिति है। वहीं पर अगर हम वोटर्स के रुझान की बात करते हैं, चलिए हमने मान लिया कि वोटिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो वोटर्स हैं उन्हें लुभाने के लिए अभी कुछ ही वक्त पहले बीजेपी, सपा और कांग्रेस जो हमारे मुख्य विपक्ष मुख्य दल हैं, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, तमाम तरह की घोषणाएं हुई, किसानों को भी साथ देने की कोशिश की, क्योंकि कहा जाता है कि किसान बाहुल्य क्षेत्र है तो किसानों के लिए तमाम तरह की योजनाएं रही। आपके हिसाब से आपने तीनों पार्टियों का मैनिफेस्टो देखा होगा, किस प्रकार से देखते हैं? सारे राजनीतिक दलों के लिए एक सुझाव है कि मैनिफेस्टो की घोषणा या जो भी घोषणा पत्र है ये चुनाव के एक दिन पहले यदि आप करेंगे तो उससे फायदा क्या है। अब ये तो नहीं है कि हम लोग जब पढ़े लिखे जागरूक लोग हैं, हम लोग रात को ट्विटर पे, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, अखबारों से हम देख लेते हैं, लेकिन सारे लोग जो मतदाता जो मतदान देते हैं, जो अक्रॉस द सेक्शंस, जो भी हर तरह की लोग, जो आखिरी में आपको बता दूं कि मतदान में जो लोग ज्यादा भूमिका निभाते उनके पास वो चीज तो जा नहीं पाया, इस वो जो उनकी जो उनका जो घोषणा है वो पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि कल परसों आपने देखा होगा घोषणा पत्र जारी हुआ। तो मेरा ये मानना है कि जो लोकतंत्र को और मजबूत करना है तो इसमें चुनाव आयोग को एक बहुत बड़ी सुझाव होनी चाहिए, और उनको भी एक आइडिया होना चाहिए कि एटलीस्ट चुनाव की जो नॉमिनेशन के साथ साथ घोषणा पत्र भी आ जाए, घोषणा पत्र भी साथ साथ आ जाए, जिससे कि एक सभी राजनीतिक दलों को एक उसकी आकलन करके मतदाताएं अपनी बात को समझे और उसके हिसाब से वोट दें। जी चलिए, हाँ उनको अब कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो थोड़ा पहले जारी करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से आपने मैनिफेस्टो देखा होगा, कंपेयर क्या होगा, क्या लगता है कि कौन जो है वो लोगों को ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल रहा इस बार उनका मैनिफेस्टो, अगर आपने कंपेयर किया तो? देखिए, मैनिफेस्टो के हिसाब से तो आप देखेंगे कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, उन्होंने समाजवादी पार्टी है, इवन भारतीय जनता पार्टी है, सभी की अपने अपने तरीके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो घोषणा पत्र है उसमें पिछले 5 साल की जो घोषणा पत्र और आज की तारीख में जो घोषणा पत्र में उन्होंने कहा है बहुत सारे चीज अभी बाकी है, अभी वो कर देंगे,
तो इसी तरह से ये इनके पास मौका मिला था उसके आधार पे लोग बताएंगे। लेकिन लोगों के अंदर एक सवाल भी आ सकता है, 5 साल तक तो आप लोगों ने नहीं किया, जैसे कि शुगर केन जो जो गन्ना किसानों की समस्याओं को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे की बात चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वो समस्या अभी भी है और घोषणा पत्र में लिखा है कि हम परमानेंट सोल्यूशन लाएंगे जी, एक लेकिन कहीं ना बहुत ही कहीं तरीके से। योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार गन्ना किसानों को लेकर भी बोल रहे हैं। अगर उनके बीते 2-3 दिनों के बयानों को अगर हम देखें, तो वहां पर उन्होंने गन्ना किसानों को फोकस करते हुए कहा है कि हमारी सरकार में कोरोना काल के दौरान तक हमने कोई भी गन्ना मिल जो थी वो बंद नहीं की है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बाधित तो हुआ है, ऐसा है कि सरकार की गवर्नेंस और शासन की व्यवस्था प्रणाली जो है कोविड की वजह से तो काफी प्रभावित हुआ, कोरोना की वजह से प्रभावित हुआ, शासन भी प्रभावित हुआ, जो तो अमला भी प्रभावित हुआ और इम्प्लीमेंटेशन में भी बहुत सारे अड़चने आए, बाधाएं आए। लेकिन कहीं ना कहीं अब चुनाव के समय में लोग आकलन जब करते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं हम एक अल्टरनेटिव या विकल्प को भी देखें, तो उस विकल्प में फार्मर्स किसानों की यदि आप आंदोलनों को देखिए, उसके प्रत्याहार के बाद जो जिस तरह से जो मोबिलाइजेशन है, जिस तरह से लोगों की एक एक संबंध है, जैसे कि हमने देखा बहुत सारे लिखा है कि नो बीजेपी, नो उनको मिला गया नहीं, इस तरह से आपस में बात, इस तरह की चीजें जो है कहीं ना कहीं एक उनको खतरा तो पहुंचेगा। इस तरह से मैं कह रहा हूं कि शासक जो दल है अभी सत्ता में है उनके लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासतौर पे एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, तो वहां पर जिस प्रकार से किसान थे वो भारतीय जनता पार्टी की जो गौवंश है उसकी नीति को लेकर भी वो खासा नाराज दिखाई दिए थे कि जो भारतीय जनता पार्टी के वक्त में जो गौशालाएं बनाई गई हैं उसमें ठीक तरह से गायों का देखरेख नहीं होती है, इसको लेकर आरोप लगाए गए। साथ ही आवारा जानवरों को भी लेकर काफी ज्यादा समस्या उठाई गई थी। वहीं कांग्रेस ने इस पॉइंट को पकड़ते हुए अपने मैनिफेस्टो में इस चीज को जगह दी है, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आवारा पशु से नुकसान पर वो 3,000 रुपए का मुआवजा देंगे नुकसान होने पर। किस प्रकार से देखते हैं आप कि कांग्रेस को इसका फायदा मिल सकता है या फिर उन्होंने एक चुनावी रोटी से किए? ये बिल्कुल आपने जो सही तरीके से देखा कि आम आदमियों के लिए, किसानों के लिए जो खेती करते हैं उसमें जो जो बहुत ही कमजोर है सरकार के लिए जो खतरा है वो एक तो है बेरोजगारी, जी दूसरा एक स्ट्रे कैटल जिसको हम कहते हैं कि भाई आवारा पशु जो है कहते हैं कि भाई वो चर गए, तो ये जो चर गए तो वो एक एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको, और एक तरह से इधर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो लॉ एंड ऑर्डर है वो भी एक एक नैरेटिव प्रस्तुत किया है कि इस समय हम लोग सुरक्षित है। तो ये कहने की मतलब है चुनाव की मतदान तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये हम बता सकते हैं कि ये एक इम्पोर्टेंट इशू है। इम्पोर्टेंट इशू में हम लोग इसको बता सकते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण बात है। जी, वहीं पर अगर हम कंपेयर करें, आपने अभी बेरोजगारी की बात करी कि एक दूसरा बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, तो इस पर भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो को अगर हम सबसे पहले उठाकर देखें तो कांग्रेस ने तमाम तरह के वादे किए हैं और दावे पेश किए महिलाओं को लेकर। तो वो अलग से ही कहते हैं कि उन्होंने बकायदा उन्होंने नारी शक्ति पर फोकस किया है। वहीं उन्होंने 20 लाख सरकारी नौकरी देने की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने जो शिक्षक है उनके 2 लाख खाली पदों को भरने की भी बात कही है। उनको पता था कि जिस तरह से अभ्यर्थियों को लेकर यहाँ पर अभ्यर्थी भर्ती को लेकर जिस प्रकार से धरने चल रहे थे, प्रदर्शन चल रहे थे, इसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस ने साफ तौर पर अपने मैनिफेस्टो में उठाया है। बिल्कुल, कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो है उस कांग्रेस की जो है उसमें कांग्रेस के लिए थोड़ी सी कमजोरी ये है कि सांगठनिक संरचना मजबूत नहीं है और बहुत दिनों से यहाँ पे सत्ता में नहीं है या संगठन उनकी बहुत मजबूत है। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि प्रियंका जी की इस तरह से संगठन को मजबूत करने का जो एक पहल है वो कहीं ना कहीं एक बेहतर स्ट्रैटेजी की तरह आ रही है और उन्होंने एक वास्तववादी घोषणा पत्र में अपने वास्तविकता को सामने रखने की और जो एक एक अपोजिशन ये विपक्ष का एक घेरने का जो प्रक्रिया है, एक अपनी जो भूमिका है उसको बेहतर तरीके से वो प्रस्तुत कर रहे हैं। और जहां तक बहुजन समाज पार्टी की बात है वहां पे तो हम देख रहे हैं कि उनका जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं एक वो खिस्ता वो कम होता जा रहा है। तो अब ये है कि उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पे बहुजन समाज पार्टी का भी एक दबदबा रहा था।
तो उसमें ये देखने लायक है, यदि वहां उनकी वोट परसेंटेज कम हो रहा है बहुजन समाज पार्टी का और कांग्रेस की बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बेहतर या एक फायदा हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये यदि पूरा ट्रांसफर हो जाए समाजवादी पार्टी और आरएलडी के पास, तो सीटें की जो जो है वो सीटें सीधे आरएलडी और एसपी के साथ झोली में गिर जाएगा। जी, तो वहीं पे अगर हम बात करें तो मैं आपके पास दोबारा इस चर्चा में आऊंगी, लेकिन इस वक्त हमारे पास वोटिंग परसेंटेज जो है वो आ चुके हैं। नए वोटिंग परसेंटेज शाम 5 बजे तक के पहले चरण में कुल 55% मतदान इस वक्त हो चुका है। अलीगढ़ में 57.25% मतदान हुआ है, वहीं आगरा में 56.62% मतदान शाम 5 बजे तक हो चुका है। इसके अलावा मेरठ की अगर हम बात करें तो मेरठ में इस वक्त 55.70% मतदान हो चुका है, वहीं 5 बजे तक शहर में 60.52% मतदान पूरा हो चुका है। वही हापुड़ में 61% मतदान पूरा हो चुका है, बागपत में 61.30 और गौतम बुद्ध नगर में 53.58% मतदान शाम 5 बजे तक पूरा हो चुका है। कुल अगर हम पर्सन की बात करें तो 55% मतदान इस वक्त कंप्लीट हो चुका है पहले चरण को लेकर। अब कुछ ही वक्त, हम आपको बता दें कि आधे घंटे से भी कम का वक्त अब बचा है जब मतदान जो है पहले चरण का वो थम जाएगा। ईवीएम के अंदर तमाम दलों के नेताओं की किस्मत जो है वो लॉक हो जाएगी और ये किस्मत 10 मार्च को खुलती दिखाई देगी। तो इस वक्त आपको चुनावी पर जिस तरीके से आपको बता रहे हैं चुनावी समीकरण इस वक्त बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डीआर साहू जी जुड़े हुए हैं। डीआर साहू जी, 5 बजे तक की ये वोटिंग परसेंटेज इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कुल 55% मतदान इस वक्त हो चुका है, किस प्रकार से देखते हैं इसे? अभी अभी तो जायजा लेने में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग अभी भी खड़े होंगे, लाइन में होंगे, और ये चुनाव की जो होता है उसमें ये कहते हैं जब तक जो लोग हैं तब तक उनको चुनाव में वोट डालते हुए भी भेजेंगे, तो जी उसमें हमको लगता है कि अभी भी समय अभी आकलन करना ठीक नहीं होगा। मेरे हिसाब से मतदान सही होगा और मतदान में बस एक कोविड को लेते हुए देखा जाए, लेकिन जहां तक ये बात है कि इसमें एक कहा भी जा सकता है यदि मतदान पिछले 2017 के तुलना में कम हुआ तो वो एक कोविड का तो एक कोरोना तो एक है ही, लेकिन दूसरा ये बात मैं कहना चाह रहा था कि एक वेवलेक्स इलेक्शन है, एक लहर विहीन चुनाव है, और इस बार चुनाव जो है कहीं ना कहीं एक क्षेत्रीय स्तर पे होगा, और खास तौर पे बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो 2022 की जो 2022 फरवरी की 10 फरवरी और 14 फरवरी की जो इलेक्शन का इलेक्शन है 10 और 14, जी ये दो फेज जो है वही निर्णायक होगा और वही तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा अपने सीट को रिटेन मतलब अपनी पावर को ला पा रहे हैं या नहीं ला पा रहे हैं। और उसमें कहीं ना कहीं वो जो दोनों फेज है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, और उस चुनौतीपूर्ण प्रक्रियाओं में यदि देखा जाए कि जो ये जो एक पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश और जो बुंदेलखंड क्षेत्र में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी बेहतर कर सकते हैं, ये जी हमारा आकलन है। वहीं पर अगर हम विश्लेषण करें मतदान प्रतिशत की तो 55% मतदान अभी शाम 5 बजे तक पूरा हो चुका है, 1 घंटे का वक्त अब बचा हुआ है, आधे घंटे से कम का वक्त अब बचा हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से मतदान हुआ है 55% मतदान हुआ है, किस प्रकार से देखते हैं? क्या ये एक स्लो मतदान है? क्या जो प्रशासन है वो लोगों को जागरूक करने में उस तरह से कामयाब नहीं हो पाया, लोगों के अंदर विश्वास जो है वो नहीं जगा पाए? देखिए मतदान की प्रतिशत जो हम लोगों ने उम्मीद किया था, जैसे कि हम लोग 60-65 एक एक उत्तर प्रदेश के चुनाव में जी यदि हो तो बहुत ही अच्छा है। 60% 65% की बात करें, 70 तो मुश्किल है, लेकिन 60-65 भी बहुत ही अच्छी है, अच्छी एक चुनाव की मतदान है। लेकिन बहुत सारे आपने देखा होगा कि विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न राज्यों में मतदान व्यवहार मतदान की प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा है बहुत सारे राज्यों में। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में इस माहौल को देखते हुए, कोविड की कोरोना की प्रकोप और लहर विहीन चुनाव और उसके साथ साथ जो एक एक, एक, एक जाड़ों की विंटर का जो समय है, मौसम की बात है, इन सबको देखते हुए 60-62-65 तक यदि जाए तो बेहतर है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।
अगर हम पुराने मतदानों की बात करें, अगर पुराने आंकड़ों की भी हम बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश का जो रिकॉर्ड है मतदान प्रतिशत को लेकर वो खासा अच्छा नहीं रहा है। हर बार ही इस तरह से 55-60 से ज्यादा मतदान हमारे यहाँ नहीं काउंट होता है। क्या वजह है? बाकी राज्यों के ऐसे अगर हम कंपेयर करते हैं तो हर बार हमारे यहाँ जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी कम रहता है। क्या इसका मुख्य कारण आप देख पा रहे हैं? देखिए, पहला तो चीज है कि एक जागरूक मतदाता, क्योंकि कहीं ना कहीं हम तो ये कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश हो किसी देश में, जो आम आदमी है और उस आधार पे यदि हम देखें मतदान के लिए जो उत्सुकता होनी चाहिए लोगों में, कहीं ना कहीं कभी कभी ये होता है कि वोट डाल के क्या फायदा है, वो जो भी सरकार आए तो हमारा कुछ होना नहीं है। ये भी एक पक्ष है जो एक तरह से हम कहेंगे कि आम आदमी की इस तरह की बात होती है। कुछ ऐसे है कि इनको लुभाने के लिए तरह तरह की कार्यकर्ता हैं। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि शिक्षा, शिक्षित जागरूक समाज जब हो और उसके लिए एक मतदान को एक कहीं ना कहीं उसको बहुत सारे, हालांकि चुनाव आयोग ने विभिन्न प्रकार की कार्यक्रम कर रहे हैं, सेल्फी के माध्यम से व्यवस्था कर रहे हैं और मतदान के को प्रभावित करने के लिए बहुत सारे व्यवस्था भी की जा रहा है। धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, लेकिन तुलनात्मक रूप में जो बढ़ना चाहिए और खासतौर पे जो यंग वोटर्स है, ये एक चुनाव के बाद ये पता चलेगा कि यंग वोटर्स की पार्टिसिपेशन कैसा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि युवाओं की आज की तारीख में आपने देखा होगा कि इस चुनाव में बहुत सारे यंग वोटर्स, जो नए वोटर्स है और जो युवा वर्ग है उसमें जुड़े होंगे, जो कि हम कहते हैं कि भारत एक युवाओं की देश है। तो इस तरह से जो युवाओं की देश में यदि हम बात करें तो युवाओं की, और खास जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने अपने को, इवन भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, सभी लोगों ने महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को एम्पावरमेंट के लिए तमाम तरह की बातें कहे हैं और सरकार भी कर रही है। तो इससे ये कहा जा सकता है कि जो आने वाले समय में जो महिलाओं को एक कैटेगरी के रूप में देखना, महिलाओं को की अस्मिताओं को, वजूद को एक मजबूती देना, ये भी कहीं ना कहीं जैसे कि धीरे धीरे जाति और वो जो वर्ग है, जो आर्थिक रूप में जो बंटवारा है, उसी तरह से जाति के आधार पर जो बंटवारा है, उसी तरह से यदि कहीं ना कहीं इस तरह की अस्मिता उठे और महिलाओं की अस्मिता यदि वजूद को मजबूती दिया जाए, और उससे कहीं ना कहीं मतदान में प्रभाव भी पड़ेगा और मतदाताओं के जो एक प्रक्रिया है जिससे कि हम कह सकते हैं कि आज भी हम लोग 70 साल से ऊपर हम लोग देख रहे हैं, भारत को आज़ादी होने के बाद हम देख रहे हैं कि आज़ादी होगा, संविधान के बाद भी हम देख रहे हैं कि असमान, गैर बराबरी ढांचा और सारी चीज़ों को, इवन हम राजनीतिक दलों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, सभी राजनीतिक दलों को उठा के देखेंगे, वो जातिगत समीकरण से नीचे उसके अलावा बात नहीं कर रहे हैं, जातिगत हो या आसाम एक धर्म के आधार पे या क्षेत्रवाद के आधार पे। तो ये चुनाव का एक एक समीकरण जो है वो एक एक जो है वो कहीं ना कहीं परंपरावादी विचार, परंपरावादी जो व्यवस्था, रूढ़िवादी समाज की तरफ हमारी सोच को दिखा रहा है। उधर हम लोकतंत्र की यदि बात करें, ये एक तार्किक व्यवस्था है जिसमें हम कहते हैं कि जन सहभागिता और लोग का अपनी अपनी की बात को रखने के लिए करने, तो इसमें कहीं ना कहीं अभी भी हम लोग पीछे हैं। और वो पश्चिमी समाज की तरफ यदि हम विकसित समाज की तरफ देखें, लोकतंत्र को एक पर्व की तरह लेना और उसमें केवल आपने देखा होगा किस तरह से लोगों को लुभाने की बात करते हैं, बात वही है कि समाज अभी भी हमारे हिसाब से जो मानसिकता है उस मानसिकता से अभी भी परंपरागत मानसिकता से हम लोग ग्रसित हैं। और वो एक कारण है जिसकी वजह से मतदान व्यवहार और मतदाताओं की जो एक बात है वो एक कहीं ना कहीं उनको प्रभावित नहीं कर पा रहा है और उससे वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी भी नहीं हो पा रहा है। वहीं पर अभी आपने महिलाओं के फैक्टर की बात करी, आपने महिला मतदाताओं के बारे में बात करी है, तो महिलाओं को भी साधने की इस बार चुनाव में कोशिश की गई। अभी हम मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे, मैनिफेस्टो को अगर हम कंपेयर करके देखते हैं तो कांग्रेस ने तो सीधे तौर पर महिलाओं के लिए ही इस बार का चुनाव जो है वो घोषित कर दिया। महिलाओं को 40% आरक्षण की बात कर रहे हैं, वो रोजगार देने की बात करती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी को देखें तो बीजेपी ने इस बार महिलाओं के लिए काफी कुछ कहते हैं कि स्कीम जो है वो रखी है, चाहे सिलेंडर देना हो, मुफ्त LPG सिलेंडर देना
देना, इसके अलावा स्कूल जाने वाली हर महिला को फ्री स्कूटी देना हो, इसके साथ ही पिंक टॉयलेट बनाने की बात हो, गरीब परिवार की बेटियों के विवाह की बात हो, वहीं सपा ने भी फ्री स्कूटी देने का वादा कर दिया है। महिलाओं की जो केजी से पीजी तक की शिक्षा है उसको फ्री देने की बात कर दी, साथ ही स्कूटी फ्री देने की बात कही है। महिलाओं को बहुत साधा जा रहा है इस बार के चुनाव में, क्या लगता है इसका फायदा किस दल को मिल सकता है? और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो क्या इसका फायदा किसी दल को मिलेगा? बिल्कुल, आप 2017 की याद करिए जिसमें हम लोग तीन तलाक की बात कर रहे थे, जिसमें आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं बहुत सारे महिलाएं एकजुट होके भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जिताए थे। नहीं तो 58 सीट में से 53 सीट निकलना, और साथ ही साथ उस समय की जो प्रभाव था 2014 की आने के बाद प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री योगी जी का, मोदी जी की जो एक करिश्माई नेतृत्व था वो काफी प्रभावित किया था, और उसमें सभी लोग एक आशा की किरण के संदर्भ में देखते हुए इन्होंने वोट दिया था। उस समय भी महिलाओं की बात की गई थी, और महिलाओं के ऐसा नहीं है कि महिला पहली बार बात की राय, लेकिन महिलाओं की जो एक अस्मिताओं को उभारने के लिए, ये केवल हमारे समाज में नहीं है, समाज में काफी तरीके से आपने देखा होगा महिलाओं की कार्यों में सहभागिता, महिलाओं की शिक्षा में सहभागिता, महिलाओं की आपने देखा होगा हर तरह से जो एक एक उनके एक गुणात्मक विकास हुआ है और लोग आ गए हैं और उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी क्षमता है, उसमें वर्धन हुआ है, वो कहीं ना कहीं अपने को एक कैटेगरी के रूप में देखते हुए अपनी निर्णय भी ले सकते हैं। और ये कहा इस तरह की, हम लोग समाज विज्ञानी हैं, हम लोग भी देख रहे हैं कि एक जेंडर एक सोशल कैटेगरी के रूप में उभर के भारत की छवियों को प्रभावित, इस तरह से हमने देखा है कि उड़ीसा राज्य में नवीन पटनायक जो बीजू जनता दल एक राजनीतिक दल के रूप में करीब 22 साल से 21 साल से वो लोग हैं सत्ता में, उसमें भी हमने देखा है कि महिलाओं की बहुत सारे ऐसी सशक्तिकरण के कार्यक्रम जो कि उन सत्ता को लाने में हर तरह निरंतर उनकी मदद मिलती है। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी का जो एक रणनीति है, और इवन भारतीय जनता पार्टी से मिशन शक्ति की बात करें, महिला सशक्तिकरण की तमाम कार्य की बात करें, चल बेटिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं एक महिलाओं की अस्मिताओं को उभार रही है, और एक राजनीतिक सहभागिता को देने के लिए जो ये पहल है, ये बहुत ही एक स्वस्थ समाज के लिए एक एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही सकारात्मक लक्षण है। जी, 2017 चुनाव की आपने बात की थी, जहाँ पर उन्होंने आपने बोला कि तीन तलाक का जो मुद्दा था वो भाजपा ने बहुत बेहद ही अच्छी तरह से इस चुनाव में भुनाया था। वहीं 2017 में मुजफ्फरनगर दंगा हो, चाहे कैराना पलायन और जो व्यापारी जो असुरक्षित थे, वो मुद्दे भी बहुत अहम माने गए थे, और इसमें भारतीय जनता पार्टी को भारी फायदा पहुंचा था और बहुमत से सरकार बनी थी। इस बार के चुनाव की बात करें, समस्याएं अभी भी हैं ऐसा, और लगातार उन समस्याओं को लेकर विपक्ष हमलावर भी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त मुद्दा अयोध्या, काशी और मथुरा है। क्या लगता है ये जो फैक्टर है इस वक्त, जो अयोध्या, काशी और मथुरा का फैक्टर है, वो भारतीय जनता पार्टी को इस बार फायदा मिलेगा, या फिर जनता अब जागरूक हो चुकी है, वो इन मुद्दों में अब विश्वास नहीं रखती और जो मूलभूत मुद्दे हैं उन पर चुनाव होगा? देखिए, जो काशी मथुरा और अयोध्या की बात कर रहे हैं वो एक मजबूती कड़ी तो है ही, इसमें एक हिंदुत्व और जो एक एक मेजॉरिटी जो हमारी जो भारत की ज्यादा लोग ज्यादा इस संप्रदाय की इस धर्म के लोग रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसमें आज उत्तर प्रदेश की चुनाव के सामने जो लोकतंत्र में जो लोगों की उम्मीद है वो कहीं ना कहीं विकास को लेके और उसमें जो वंचना को लेके है, जो वंचित है, जो लोगों को लग रहा है कि इसमें हम लोगों को सरकार की मदद, हालांकि सरकार ने किया कोविड के समय में, कोविड मैनेजमेंट में आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी, अभी भी आपने देखा होगा केंद्र सरकार राज्य सरकार सभी लोग लगे हैं कि लोगों को अपना दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक एक महत्वपूर्ण है कि धर्म और जाति, वही मैं कह रहा था पहले भी कि धर्म और जाति को लेके अब जो समाज है उसको, जैसे कि कर्नाटक में आपने देखा होगा कि जो घटना हुई कर्नाटक में महिला एक लड़की को लेके, हिजाब को लेके, और उसके साथ साथ ये इवन आरएसएस की जो उनकी अल्पसंख्यक की जो संगठन है उनके जो प्रमुख हैं, इन्होंने भी इनकार किया कि ये गलत बात हुई है। तो कहने के लिए ये एक एक जो इस तरह से चीजें है, अब धीरे धीरे इस सब चीजों को जो हम तो कहते हैं ये गैर मुद्दे हैं, मुद्दे तो है
गैर बराबरी को कैसे खत्म किया जाए, सामाजिक न्याय कैसे मिले, और सहभागिता की तरफ से लोगों की सहभागिता हो, महिलाओं की व्यवस्था में, समाज की ढांचे में कैसे आगे आए, वंचित जो समुदाय है वो कैसे आए, और विकास की प्रक्रियाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये सारी चीजें हैं। बेरोजगारी को कैसे एड्रेस किया जाए और महंगाई को कैसे एड्रेस किया जाए, ये सारे चीज बहुत मुद्दे, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, ये महत्वपूर्ण प्राथमिक मुद्दे हैं। और वही उसके ऊपर जी यदि सरकार की बात करें तो कहीं ना कहीं ये एक चुनौती हो सकता है। जो 2017 की परिस्थिति परिदृश्य था, अब 2022 की परिदृश्य में बहुत सारी स्थिति बदलाव है। जी जिस तरह से अभी आपने हिजाब मामले को लेकर बात की, जिस तरह से कर्नाटक में हुई हिंसा को यहाँ पर भी एक चुनावी रंग देने की कोशिश की गई थी, अगर हम बात करें तो एआईएम चीफ जो थे अजहरुद्दीन ओवैसी, उनके भाषणों में साफ तौर पर बीते 2 दिन से ये जो कह सकते हैं वाक्या है वो बार बार दोहराया जा रहा है। क्या लगता है इसको लेकर भी बीजेपी को आड़े हाथों लेने की कोशिश की जा रही है और इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा या नहीं? देखिए, आपने देखा होगा कि कभी भी परिवार में हो, समाज में हो, समुदाय में हो, कुछ लोग अराजकता फैलाने की काम करते हैं, जी वो अराजक तत्व होते हैं, तो उसमें उन सभी, उसको हम लोग न्यूसेंस वैल्यू कहते हैं। तो उस न्यूसेंस वैल्यू से आज की तारीख में मतदाता प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि ये सभी लोगों के समझ में आ जाता है कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इसको एक रंग देना चाहते हैं, जो कि हर राजनीतिक दल इसमें कोई विश्वास नहीं करता है, क्योंकि हर राजनीतिक दल इसको इसको कोई समर्थन नहीं किया। तो कहने की मतलब है ये ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा। जी हालांकि एक हथकंडे तो है, ये बात सही है कि एक कोशिश तो की गई थी कुछ लोगों की द्वारा कि इस तरह की एक रंग दिया जाए, लेकिन वो रंग अब प्रभावित नहीं कर सकता है, मेरा ये मानना है। जी वहीं अगर मुद्दों की हमने बात कर ली, अब दलों की और दलों के नेताओं की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव महत्वपूर्ण है ही, लगातार 2022 को 2024 से भी कंपेयर करके देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस बार का जो चरण है इसमें भी 9 नेता ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के जिनकी किस्मत जो है वो दांव पर लगी हुई है। अगर हम बात करें तो मथुरा शहर जो सीट है, बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा जो है चुनावी मैदान में है। वहीं पर तमाम दिग्गज है नेता, जैसे अतुल गर्ग हो गए या फिर सुरेश राणा, संदीप सिंह, अनिल शर्मा जैसे तमाम दिग्गज नेता इस वक्त चुनावी मैदान में है। क्या लगता है 2017 की लहर ये लोग बरकरार रख पाएंगे या फिर इस बार बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, विधानसभा चुनाव और लोकसभा के चुनाव में एक अंतर तो है कि विधानसभा में आज की तारीख में एक जो 2017 में जो प्रधान माननीय प्रधानमंत्री की जो करिश्माई नेतृत्व और एक आशा और जी एक एक जो सकारात्मक प्रभाव था, वो 2022 के चुनाव में ये कोशिश किया जा रहा है कि योगी जी को और मोदी जी को लेके एक एक पार्टनरशिप में, एक हैंड होल्डिंग के साथ ये लोग कर पा रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन असेंबली इलेक्शंस में मेरा ये मानना है, विधानसभा में जो क्षेत्र में जो कार्य है, जो विकास की कार्य है, जो विकास के लिए जो पहल है, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और केवल राजनीतिक दल और उसकी चुनाव चिन्ह से और काम किए ना किए उससे हमको लगता नहीं है 2022 चुनाव प्रभावित होगा। इसमें तो बिल्कुल लोग, ये भी एक महत्वपूर्ण कारक होगा, जो जिस दल में हो, जो भी नेतृत्व लिए हैं, जो जीते हैं, वो किस तरह से कार्य किए हैं। यदि वो अच्छे से कार्य किए होंगे तो उनकी संगठन मजबूत हुआ होगा, और या तो वो एक प्रभावी हो सकता है। लेकिन इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती तो है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें समाजवादी पार्टी की, अगर हम बात करते हैं तो आरएलडी का अभी उनके साथ में गठबंधन हुआ है। 2017 में आरएलडी जहां पर एक तरह से कह सकते हैं कि अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, वहीं पर अजीत सिंह के निधन के बाद से जिस तरह से जयंत चौधरी इस वक्त चुनावी मैदान में है, उनकी जो लहर इस वक्त देखने को मिल रही है उसमें काफी बदलाव देखने को मिला है। कहीं ना कहीं इसका सीधा असर किसान आंदोलन को लेकर भी कहा जा सकता है। ऐसे में जयंत चौधरी पश्चिमी जो यूपी है, जो आर्टलैंड जिसे कहा जाता है, उसमें किस प्रकार से प्रदर्शन कर सकते हैं? क्या इस बार जो उनकी कह सकते हैं कि जो दावेदारी है वो इस बार खोई हुई विरासत जो है वो वापस पा पाएंगे इस बार के चुनाव में? देखिए, उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो ढांचा है वो हम लोगों ने डिस्कस निर्णय देख चुके हैं, विश्लेषण किए हैं। लेकिन इसमें एक चीज है, जयंत चौधरी एक युवा है, जी और एक 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 युवा होने से क्या होता है ना कि एक भविष्य की तरफ दिखता है। और जहां तक ये है कि जयंत चौधरी जी की जो निर्णय और जिस तरह के तौर तरीके हैं, वो कहीं ना कहीं एक संगठन को मजबूती देने में
काफी सकारात्मक रूप में बात करते हैं। और वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस बार जो जयंत चौधरी और अखिलेश जी का कहना है, और आपने देखा होगा इंटरव्यू वगैरह में, वो कहते हैं कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेंगे, सकारात्मक राजनीति करेंगे। ये जो सकारात्मक राजनीति का अर्थ है, विकास और उस तरह की बातें करें, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक बेरोजगारी और सारे जो गैर मुद्दे हैं, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उसके ऊपर कार्य करेंगे। ये एक एक बहुत ही सकारात्मक लक्षण है, पॉजिटिव साइन है। और जहां तक मेरे को लगता है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जितनी अच्छी तरह से अपने को वो प्रचार प्रसार नहीं कर पा रही, या कर नहीं रहे जानबूझ के, कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि आपस में एक अंडरस्टैंडिंग होगा या एक ऐसी समझौता हो सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन लोगों को एक दिया जाए। इसमें बहुजन समाज पार्टी भी, आपने देखा होगा कि उनकी इतनी बेहतर तरीके से कैंपेन नहीं है। हो सकता है, लोगों का कहना है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी ये लोग समर्थन बाद में दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो एक साइलेंट एक तरह से समर्थन कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार से दिख रहा है। और जहां तक मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो 10 फरवरी आज और 14 फरवरी का जो 2 फेज का चुनाव है, वो एक निर्णायक भूमिका निभाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों का जो स्टेक है, जो विपक्ष की जो स्टेक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो चुनाव का जो एक ध्रुवीकरण हो गया, आइदर एसपी आरएलडी और बीजेपी, ये दोनों, और उसमें कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जैसे पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा चुनाव में, पश्चिम बंगाल में उन्होंने क्या किया, पश्चिम बंगाल में फर्स्ट फेज सेकेंड फेज आते 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 ये पता चला कि जो चुनाव की जो मतदान की प्रक्रियाएं हैं उसमें प्रभावित होने लगा। और सीपीआईएम और बहुत सारे जो वामपंथी दल थे, कांग्रेस थे, अपने अपने वोट जो है वो इतनी हद तक चला गया जिसमें कि वो उनको 0 मिला। तो ये कहीं ना कहीं ये इस तरह की सिचुएशंस बन भी सकता है, ये मेरे को इसमें इसमें इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि ये चाहते हैं कि कोई हर कोई विपक्ष की जो राजनीतिक दल है, हर कोई चाहता है उत्तर प्रदेश यदि गए, जैसे कि माया आपने देखा होगा ममता जी कुछ दिन पहले आके लखनऊ की में प्रेस मीट में यही बात कहे कि उत्तर प्रदेश यदि खत्म हो जाएगा, वो वोट हमको नहीं मिलेगा, तो 2024 भी प्रभावित होगा। ये जी, एक 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 महत्वपूर्ण दिलचस्प और रोचक बात है। वहीं पे जिस तरह से अभी आपने ममता बनर्जी का जिक्र किया है, ममता बनर्जी लखनऊ पहुंचती है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट की अपील करती है, किस प्रकार से देख रहे हैं आपकी जो इस चुनावी नैया में अखिलेश यादव सवार है लेकिन उनके खेवैये ममता बनर्जी बन चुकी है, फायदा मिलेगा या फिर नुकसान हो सकता है? ममता बनर्जी की सपोर्ट से एक चीज ये दिखाई दे रहा है कि अन्य राज्यों की राजनीतिक दल तथा उनकी शीर्ष नेतृत्व जी यहाँ आके एक विपक्ष की जो जो अपोजिशन में है, जो अभी सरकार में समाजवादी पार्टी 2012 से 17 जो चुनाव जीते थे, तो उनको मदद कर रहे हैं। तो वो एक मैसेज, एक संदेश तो जा रहा है, आपने देखा होगा कि एक संदेश तो है ही। जी और उस संदेश में ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ तो है, एक मजबूती तो है। जिस तरह से इस बार का चुनाव है, अगर हम वोटिंग परसेंटेज देख रहे हैं तो बेहद दिलचस्प देखने को मिल रहा है, लेकिन जो परिणाम है वो 10 मार्च को ही सामने आएंगे और जो भी राजनीतिक दल है उनकी जो किस्मत है उसका खुलासा अब 10 मार्च को ही होगा। इसी के साथ हम अपनी चर्चा को खत्म करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डीआर साहू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजनीतिक विश्लेषक डीआर साहू हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे, जिन्होंने इस बार के चुनाव के पहले चरण के मतदान के बारे में तमाम तरह की जानकारी हमारे साथ साझा की है। तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं पहले चरण में 5 बजे तक की जो वोटिंग परसेंटेज है वो स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है। कुल परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो 55.70% वोटिंग जो है वो इस वक्त पूरी हो चुकी है। अब बेहद ही कम वक्त बचा है, लगभग मतदान जो है वो पहले चरण का अब समाप्ति की ओर है। ऐसे में पहले चरण जो पश्चिमी यूपी जाटलैंड है उसने अपनी किस्मत ईवीएम में इस वक्त लॉक कर दी है। जनता ने अपना रुझान, अपना मत और अपना निर्णय ईवीएम में लॉक कर दिया है और अब इस ईवीएम का खुलासा 10 मार्च को होगा और 10 मार्च को यह साफ होगा कि
कि किस राजनीतिक दल की जो किस्मत है वो इस बार के चुनाव में चमकने वाली है और कौन से ऐसे सियासी दल है जिन्हें एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ेगा। और इसी के साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।